हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ प्लाजो पेंट की कटिंग करना शेयर करने वाली हूं तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें यहां पर दो मीटर का कपड़ा लेना है अगर आप 40 इंच तक की लंबाई बना रहे हैं तो आपको दो मीटर का कपड़ा लगेगा सबसे पहले हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और पूरा पहले आपको कपड़ा देखें इस तरीके से खोल लेना है अब इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो इस तरीके से बीच में से बिल्कुल कपड़े को आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े के बीच में कोई भी सिलवटे ना रहे तो दोनों किनारी वाले साइड आपको इस तरीके से पकड़ते हुए बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे आपको बिछा लेना है और अब देखिए जो खुला वाला साइड है वो आपकी साइड है यानी कि किनारी वाला साइड आपकी साइड है और फोल्ड वाला साइड अपोजिट साइड की तरफ आपको रखना है अब सबसे पहले ऊपर से एक सीधा नाप लगा लीजिए और इसके नीचे हम बेल्ट के लिए नाप लगाएंगे तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर ढाई इंच पर नाप लगा रहे हैं जो कि तैयार हमारी दो इंच आ जाएगी अब एक सीधे स्केल की मदद से हम इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे ये लग गई हमारी बेल्ट का नाप इसके नीचे हमें अपनी लंबाई के नाप लगाने हैं उससे पहले हमें देखिए अपनी ये जो किनारी वाला पार्ट है इसको भी एक सीधा नाप लगा लेना है क्योंकि इससे क्या होता है जो जब भी हम सिलाई करते हैं तो एक साइड की तरफ सिकड़न आ जाती है तो किनारी वाली साइड की तरफ भी आप एक सीधा नाप लगा दीजिए उसके बाद में हम अपनी लेंथ का नाप लगाएंगे बेल्ट के नीचे से आपकी जितनी भी तैयार लेंथ है वो आपको यहाँ पर नाप लगा लेना है तो यहाँ पर हमें रखना है सिंच। तो इंच का एक निशान और लगाएंगे क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग के लिए हो जाएगा नीचे से जो हमें बॉटम फोल्ड करना है वो हो जाएगा तो ये लग गए हमारी लंबाइयों के नाप अब हमें यहाँ पर हिप का नाप लगाना है हिप यहाँ पर तीस इंच है तीस में हमें चार इंच की लूजिंग ऐड करनी है आपकी जो तो भी हिप है उसमें आपको चार इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो देखिए चार इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तीस में तो हमारे पास चौंतीस इंच आ जाएगा और चौंतीस का आपको यहाँ पर एक चौथाई भाग निकालना है चौंतीस का आधा आएगा सत्रह और सत्रह का भी जब आप आधा करेंगे तो हमारे पास साढ़े आठ इंच आएगा तो हम साढ़े आठ इंच पर नाप लगा देंगे इसके नीचे हमें आसन के लिए नाप लगाना है साढ़े आठ इंच में हम दो इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास साढ़े दस इंच आ जाएगा और इस तरीके से इन लाइंस को भी हम सीधा कर लेंगे तो आपका जो भी हिप साइज आए अपने साइज के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए और उसमें आपको दो इंच प्लस करना है अब इसके बाद में देखिए नीचे वाली साइड की तरफ यहाँ पर हम दो इंच एक्सटेंड करेंगे अपनी इस वाली लाइन को अगर आप हेवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ढाई इंच तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ये देखिए इसको हमने इस तरीके से नाप लगा लिया है इसके बाद में आप यहाँ पर ऐसे गुलाई कर लीजिए जैसे हम अपनी आर्म होल के लिए गुलाई करते हैं इसके नीचे हमें देखिए जो अंदर वाला पार्ट है जो हमारा साढ़े आठ इंच आ रहा था इसका मिड पॉइंट निकालना है यानी कि सेंटर पॉइंट तो साढ़े आठ का करीब सवा चार इंच होगा तो इस तरीके से बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर यानि कि आधे पर इसके ऐसे हमें निशान लगा देना है और पूरा नीचे तक जहाँ तक हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसके बिल्कुल सेंटर पर निशान लगा लेंगे और इस लाइन को मिलाते हुए सीधा रेखा खींच लेंगे सेंटर लाइन बनाने के बाद अब हमें अपनी मोहरी का नाप लगाना है इससे क्या होगा कि हमारी जो पेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी तो यहाँ पर हमें छः इंच की मोहरी अपनी तैयार चाहिए तो तीन इंच इस साइड की तरफ और तीन इंच उस साइड की तरफ हमें रखना है इससे क्या होगा आपकी पेंट बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी और कहीं की तरफ अंदर की तरफ घूमेगी नहीं अब देखिए इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे तो अगर आपके पास स्केल नहीं भी है तो भी आप इस तरीके से नाप लगा इंची टेप से देखिए निशान मिला सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको स्केल की मदद से ही यहाँ पर आप अपनी पैंट की कटिंग कर सकते हैं अब ऐसे ही आपको दूसरी वाली साइड की तरफ भी मिला लेना है तो ये देखिए बिना स्केल के भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी ये नाप लग गई है अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा इसे फिटिंग पहनना है क्योंकि ये बिल्कुल इस एकदम स्ट्रेट बनेगा अगर आपको थोड़ा फिटिंग पहनना है घुटने के पास से तो देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा करीब आधे इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है और अंदर की तरफ आपको ऐसे गुलाई कर देनी है थोड़ी सी अपने स्केल की हेल्प से बट यहाँ पर जो कस्टमर है जिसका ये बना रही हूँ मैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट ही पैंट चाहिए तो हम यहाँ पर बाहर वाला नाप ही रखेंगे अब देखिए जो हमारा प्लाज़ो पेंट का नाप था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया है अब जो हमने ये नाप लगाए हैं उसी पर हमें कटिंग कर लेनी है प्लाजो के फ्रंट वाले पार्ट की देखिए हमने कटिंग कर ली है अब बाकी के बचे हुए कपड़े में से हम इसके बैक वाला पार्ट निकालेंगे तो इसको भी एज इट इज आपको वैसे ही बिछा लेना है और फ्रंट वाला साइड देखिए इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे जो खुला वाला भाग है कपड़े का खुले वाले भाग की तरफ ही रहेगा इसमें केवल एक डिफरेंस करना है आपको बैक वाले साइड की तरफ बाकी ये एज इट इज ही हमारा कटिंग होता है तो देखिये जो ऊपर वाला साइड है यहाँ पर हमें दो दो इंच एक्स्ट्रा करना है इस तरीके से निशान लगाना है Uh, पूरे में ही दो 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 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए क्योंकि बैक वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि बड़ा होता है जैसे कि बैक वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए uh, और अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो भी आपको दो इंच ही एक्स्ट्रा लेना है इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है अब इन निशानों को देखे हमने इस तरीके से मिला लिया है नीचे तक भी आपको ऐसे ही सेम नाप लगा लेना है यहाँ पर दो दो इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे और बिल्कुल बॉटम के पास हम इसे डेढ़ इंच कर देंगे अगर आप दो इंच रखेंगे तो बॉटम को ज़्यादा ही आपका ढीला हो जाएगा अगर आपको ढीला चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हैं बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिटेड चाहिए तो हम यहाँ पर डेढ़ इंच का रख देंगे तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे में ये निशान लगा लिए हैं अब इन निशानों को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे और इस साइड की तरफ भी बैक वाले पल्ले पे भी आपको ऐसे गुलाई कर देनी है ज़्यादा गहरा आपको नहीं करना है इसको तो दो इंच के हमने यहाँ पर ऐसे गुलाई कर दी है अब देखें जो नाप है हमारे वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको लगा लेने हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे जो भी हमने नाप लगाए हैं तो देखिए जो हमारी प्लाजो पेंट है वो बिल्कुल आ, कटिंग कंप्लीट हो गई है ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा बैक वाला पार्ट तो दो दो बल्ले होने चाहिए आपके टोटल चार तह होने चाहिए इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग से बेल्ट कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने साथ में ही बेल्ट रख रखी है और अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी बार uh, स्टिचिंग शेयर की हुई है प्लाजो पैंट की तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाय खुदा हाफिज़